नमस्ते, मयूर रत्नकांत गीता रत्न की तरफ से आप सबका स्वागत है। गीता का अध्याय 4 यानी ज्ञान कर्म संन्यास योग हम देखेंगे 11 मार्च। जिसने अपने मन के साथ इंद्रिय और शरीर पर काबू पाया है और सभी भोग लालसा त्याग दी हो, ऐसा कोई भी आशा न रखने वाला मनुष्य एक शरीर धर्म के प्रति शरीर कर्म करता है। जो अपनी इच्छा के बगैर जो भी मिलता है उसी में संतुष्ट होता है। जिसको मत्सर कभी आता नहीं, जो सुख और दुख के पार आगे निकल जाता है, ऐसा समभाव रखने वाला कर्मयोगी कहलाता है। आत्मज्ञानी मनुष्य जो ज्ञानी पंडित है, उसके काबू में मन और बुद्धि होती है। आशा निराशा, सुख दुख, जीत हार, लाभ हानि, ऐसे दोनों ही स्थिति में खुश और तृप्त रहता है। अपना कर्तव्य कर्म, अपनी ईश्वर भक्ति, अपनी साधना करने के लिए जो जरूरी कर्म है वही करता है, जो कि एक शरीर धर्म है। क्योंकि उसकी सभी जिम्मेदारियां आगे भगवान संभालता है, ताकि उसकी भक्ति साधना में कोई रुकावट ना आए। बाकी की जानकारी हम आगे देखेंगे। धन्यवाद।